हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लांट्स सभी को अच्छे लगते हैं और हम काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगाते हैं। नर्सरी में हमें तरह तरह के पौधे देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उनमें से कौन से प्लांट खरीदें, कौन से नहीं खरीदें, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊँगी जो कि हमारे घर पर ज़रूर होने चाहिए। इन प्लांट में फ्लोरिंग होती है, किसी में किसी की औषधीय वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि औषधि बनती है, दवाइयाँ बनती है, यानी एक तरह से एक मेडिसिन के रूप में काम आते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके धार्मिक गुण होते हैं, यानी कि उन्हें घर में बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग होते हैं, कुछ छायादार पौधे होते हैं। तो इस तरह से हम तरह तरह के प्लांट देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो प्लांट आपको बताऊंगी, उनमें आप एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं, आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, आप इनके बीज से और काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं। सो इनकी केयर करना भी बहुत ही आसान होता है। कम केयर वाले ये पौधे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, और साथ ही साथ इनकी केयर करना आपके मन को रिलीफ भी देता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी जी प्लांट के बारे में। तुलसी जी एक धार्मिक महत्व का पौधा है और इस पौधे के काफ़ी सारे औषधीय गुण भी हैं। इसे चाय में भी इसकी पत्तियों को डालकर पिया जाता है और खांसी जुकाम में ये काफ़ी ज़्यादा राहत देती हैं। ये इस प्लांट पर मंजरी आई हुई हैं। मैंने सर्दियों के बाद फरवरी में इस प्लांट की जो है प्रूनिंग कर दी थी, और उसके बाद से देखिए इसमें नई पत्तियां भी आ गई हैं। अभी इसमें मंजरी बन रही हैं, ये इसके छोटे छोटे फ्लावर हैं। आज संडे है इसलिए मैंने इसमें वॉटरिंग नहीं की, और ये वाला जो प्लांट है इसमें कहते हैं कि संडे के दिन वॉटरिंग नहीं की जाती है। कहते हैं कि संडे को तुलसी जी का फास्ट होता है, तो ऐसी मान्यता है। और हम भी इसे धार्मिक महत्व के हिसाब से और औषधीय दोनों गुणों के हिसाब से इस प्लांट को रखते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है और बहुत कम केयर वाला प्लांट है। आप इसे ज़रूर अपने घर में लगाइए और इससे मन को जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है इसमें वॉटरिंग करने से, दिया लगाने से। आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाइए। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसकी जो मंजरी हैं इनसे बीज बनते हैं, और इससे आप काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके बीजों को बहुत ही इजीली अंकुरित किया जा सकता है, यानी कि आप इनके सीड तैयार करके काफ़ी सारे और प्लांट्स भी ले सकते हैं। तो नंबर दो पे हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट की। ये प्लांट मैंने करीब 6 महीने पहले ख़रीदा था, और बीच में जो है सर्दियों का टाइम आ गया था, तो 3-4 महीने सर्दियों में इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई। अब वापस इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है और अभी जल्दी ही इसमें फ्लोरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। इसके जो है बर्ड्स बनने यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। मानसून के टाइम पर इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट भी बहुत कम केयर वाला प्लांट है और इसे काफ़ी ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। यहाँ पर जो है इसके ज़्यादातर दो ही कलर मिलते हैं, एक तो वाइट अपराजिता और दूसरा ब्लू। मेरे पास जो ये पौधा है इसमें ब्लू कलर का फ्लावर आता है और काफ़ी सुंदर फ्लावर आता है वो, और करीब 2 दिन तक वो फूल जो है खिला रहता है। और इसकी इस प्लांट के भी जो है मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं, और काफ़ी अच्छा ही पौधा है, शुभ भी माना जाता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाइए। सालों साल चलने वाला ये पौधा है। आप इसकी टॉपियरीज भी बना सकते हैं, अच्छी अच्छी शेप भी दे सकते हैं, और चाहें तो इसको बेल की तरह अपने घर के दरवाजे पर भी चढ़ा सकते हैं। इसे आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो इनिशियली आप इसके लिए कम से कम 10 इंच का पॉट सिलेक्ट कीजिए। अगर 12 इंच का सिलेक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप इसे ज़मीन में लगाइए। और ये प्लांट जो है इनके लिए काउडंग कंपोस्ट सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं करी पत्ता प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है ये भी मैंने करीब 6 महीने से पहले ही ख़रीदा था। 6-7 महीने हो गए हैं इस प्लांट को। मैं इसे 30 रुपीज़ में लेकर आई थी नर्सरी से। इस पौधे की आप कटिंग भी लगा सकते हैं और बीज से भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके बीज लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मानसून का सीज़न,
अभी मैंने इसमें जो है टॉप पार्ट की कटिंग कर दी थी यहाँ से, और उसमें देखिए इसकी ब्रांचेज आ गई। तो ये इस प्लांट के साथ फैक्ट है, जब तक आप इसकी जो ऊपर की यानी कि यहाँ की ये वाली पत्ती है, ये जब तक आप कट नहीं करेंगे तब तक इस प्लांट में ब्रांचेज नहीं बनेंगी। ये सीधा एक जो है सिंपल एक छड़ी की तरह से बढ़ता रहेगा, इसकी कोई ब्रांचेज नहीं बनेगी जब तक आप इसे टॉप पार्ट पर से कट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था तो यहाँ से दो ब्रांचेज आई हैं। अब इन दोनों ब्रांचेज को जब तक मैं टॉप पार्ट पर से कट नहीं करूँगी तब तक इनमें ब्रांचेज नहीं बनेंगी। इस प्लांट के लिए सबसे अच्छी खाद होती है गोबर की खाद, और साथ ही साथ आपके घर में जो लस्सी बनती है रोजाना, वो इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। बाकी रेगुलर वॉटरिंग करते रहिए, ये प्लांट बहुत अच्छे से और लंबे समय तक चलता है। ये एक छायादार पौधा है, एक औषधीय पौधा है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाइए, क्योंकि इसका पूरा पेड़ बनता है। और किचन में भी इस प्लांट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली कढ़ी बनाने में इस प्लांट का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो और भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें भी करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड कीजिए। सो नंबर 4 पे हम बात करते हैं टिकोमा फ्लोर प्लांट के बारे में। इसमें जो है काफ़ी सारे फ्लोवर खिल चुके हैं, गुच्छों में इसमें फ्लोवर आते हैं, और इसमें जो फ्लोवरिंग है वो मई या अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट होके और अक्टूबर तक इस प्लांट में फ्लोवरिंग होती है। इसे आप एक वॉल डेकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरी तरह से आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन वॉल डेकर इसे बनाने के लिए आपको इसे ज़मीन में लगाना पड़ेगा। अगर ज़मीन में नहीं लगाते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्लांट्स को लेना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी सारे पॉट्स को लेना पड़ेगा, और उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा वाला काम होगा ये। तो इसकी अगर आप बेल बना सकते हैं, बेल की तरह बढ़ा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। मैं इसको एक मिनी ट्री की तरह ले रही हूँ। इसकी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, इस प्लांट को काफ़ी आसानी से लग जाता है। मैंने भी इस प्लांट की कटिंग लगाई थी, और देखिए मेरे पास किस तरीके से ये एक प्लांट तैयार हो गया है। कम केयर वाला और जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला ये प्लांट है, और एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट आप बना सकते हैं। सो आई होप ये भी आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की। सो नंबर 5 पे हम बात करेंगे गुलदावरी की। गुलदावरी जो प्लांट है ये बहुत अच्छा प्लांट है वैसे तो, इसमें काफ़ी सारे फ्लोर भी खिलते हैं, जम के फ्लोरिंग होती है। इसमें विंटर सीजन का प्लांट है, यानी कि इसमें फ्लोरिंग का सीजन है विंटर, और इसमें काफ़ी कलर भी आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस प्लांट के साथ कि इसमें इस तरीके से जो है इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इंसेक्ट अटैक होने से ये प्लांट मरता भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इसके साथ चलती रहती हैं। तो आप जो भी कुछ मतलब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं, नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं, हल्दी करते हैं, कुछ टाइम तक ये प्लांट ठीक रहता है, उसके बाद ये प्लांट फिर से इसमें इंसेक्ट अटैक हो जाता है। आई डोंट नो ये इतने ज़्यादा इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करता है। इसके लिए एक टिप है कि अगर आप इसमें ज़्यादा ब्रांचेज चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्लोवर्स चाहते हैं, तो आप इस प्लांट का टॉप पार्ट कट कर दीजिए। मैंने यहाँ से कट किया था, सेम मैंने इधर से भी कट किया था, और देखिए वहीं से इसमें नई ब्रांचेज आ गई हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उतने ज़्यादा फ्लोवर आएंगे, और ये प्लांट अच्छे से बढ़ता रहेगा। एक पौधे के काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही जगह पर जो है रूटिंग से यानी कि रूट निकलने से, और काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास तैयार हो गए हैं, और इनको हम सेपरेट करके लगा सकते हैं। मानसून सीज़न इनको लगाने के लिए बेस्ट होता है, सो अगर आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो मानसून सीज़न में या फिर फरवरी के महीने में लगाइए। सो नंबर 6 पे हम बात करते हैं रेन लिली फ्लोर प्लांट के बारे में। ये इतना अच्छा प्लांट है, इतने अच्छे प्लांट हैं कि आप एक पौधा लगाएंगे काफ़ी सारे पौधे बन जाएंगे। बल्ब इनके आपको मिल सकते हैं नर्सरी पे, इसके बीज भी मिलते हैं, आप इन्हें बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और एक ही प्लांट के काफ़ी सारे बन जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें इस तरीके से नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए बल्ब बनते रहते हैं, और प्लांट अच्छे से चलता है। काफ़ी सारे इसमें कलर आते हैं, वाइट कलर आता है, पिंक आता है, पर्पल आता है, येलो आता है, और समटाइम्स मैंने देखा है इसमें रेड कलर भी आता है।
सो अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं। सो इस तरीके से देखिए ये बनता रहता है। इसके लिए टिप है कि आप इसकी जो पत्तियां जब लंबी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको जितना ज़्यादा आप यहाँ से काटते रहेंगे, यानी जितना ज़्यादा आप पत्तियों को छोटा करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लोरिंग होगी, ये उतना ही ज़्यादा घना बनेगा। और ये जब खिलते हैं तो इसके फ्लावर 3 से 4 दिन तक लगातार खिलते हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, एक गुलदस्ता सा मालूम होता है इन्हें देखने पर। सो नंबर 7 पे हम बात करते हैं सदाबहार यानी विनका प्लांट के बारे में। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर प्लांट है और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आती हैं इसमें, देसी वेराइटीज़ भी आती हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्लांट है इसमें फलियां बनती हैं। देखिए आप, जब इसमें फ्लावरिंग हो चुकी होती है तो इस तरीके से फलियां बनती हैं। इन फलियों से आपको बीज मिलते हैं और इन बीजों से आप काफ़ी सारे प्लांट लगा सकते हैं। इस पौधे की कटिंग भी लग जाती है और ये काफ़ी समय तक चलने वाला, काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स देने वाला एक बहुत प्यारा प्लांट है। काफ़ी सारे इसमें कलर आते हैं और इसमें जो है इसका एक झाड़ीदार जो है पौधा सा बन जाता है, जिसकी हाइट कम से कम 3 फीट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतनी ही जाती है, उससे ज़्यादा बहुत कम देखे हैं मैंने केसेस। आप इसे आराम से गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन है तो ज़मीन में लगा लीजिए, जैसे भी लगाएंगे बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा, जब इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है या फिर इस प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, यानी खाद वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो ये 2 साइन देता है। पहला ये है कि अपने फ्लावर के साइज़ को छोटा कर लेता है, जैसे कि अब इस प्लांट ने कर रखा है, तो वो है ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया था। दूसरा है ये अपनी पत्तियों को पीला करना स्टार्ट कर देता है। सो ये भी केस है इसका ओवर वाटरिंग का। इससे क्या होता है कि इसकी रूट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रूट सड़ने के लग जाती है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें बार बार गुड़ाई कीजिए और साथ ही साथ इसमें पानी कम दीजिए, ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा सालों साल तक। सो नंबर 8 पे हम बात करते हैं मनी प्लांट के बारे में। ये हमारे मनी प्लांट के पौधे हैं और अभी इनकी हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, क्योंकि बीच में जो है इसमें काफ़ी सारी पत्तियां झड़ गई थी। अभी ये वाला प्लांट भी हमारा सही है, घना हो रहा है। और ये वाला जो प्लांट है इसमें भी देखिए, पहले 2 पत्तियां थी, अब 4 हो चुकी हैं और भी इसमें पत्तियाँ आने वाली हैं। सो मनी प्लांट जो है ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, लेकिन आप इसे गार्डनिंग के स्टार्टिंग में मत लगाइए। पहले आप इसको समझिए, इस पौधे को आप 2 से 3 पौधे लेकर आएंगे, ख़राब हो सकते हैं स्टार्टिंग में, बट उदास मत होइए, आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट अगर आपको समझ में आ जाता है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है, काफ़ी घना बन जाता है। काफ़ी सारे आपने मनी प्लांट देखे होंगे, इंडोर प्लांट है ये और घर में जो है काफ़ी प्यारा लगता है, शुभ भी इसे माना जाता है। और चाय पत्ती की खाद इसके लिए, प्याज की खाद और गोबर की खाद इन प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सो इस तरीके से आप इस प्लांट को भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है। सो नंबर 9 पे हम बात करते हैं पुदीना की। तो ये देखिए, पुदीना के प्लांट को मैंने लगाया हुआ है पानी में और अब इसमें जो है काई लग गई है, ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें अभी वाटरीज को चेंज करने की ज़रूरत है। और आप इसका देख रहे हैं, इसकी रूट्स जो हैं यहाँ से, इसमें भी बेबी प्लांट्स आ रहे हैं इसके, देखिए नए पौधे बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है ये पौधा। और इसे आप पहले पानी में लगा के और बाद में फिर आप इसको जो है ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। और फैलता है ये प्लांट, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आती है, अभी भी आ रही है। और इसकी पत्तियां जो हैं काफ़ी सारी इसके बेनिफिट होते हैं, जैसे किचन में सिकंजी वगैरह बनाने में या फिर सब्जी में डालने में काफ़ी ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस पौधे को भी ज़रूर अपने घर पे लगाइए, बहुत कम केयर वाला प्लांट है ये। सो नंबर 10 पे हम बात कर रहे हैं इस पत्थर चट्टा प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है इसका एक औषधीय गुण है और वो बहुत ही अच्छा है कि ये जो स्टोन प्रॉब्लम होती है जिस किसी को भी, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये प्लांट। और जो है स्टोन प्रॉब्लम वाले जो काफ़ी मैंने देखे हैं पेशेंट जो होते हैं, वो इस की जो पत्ती को खाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो खाते किस तरीके से हैं। सो उसका क्या मेथड है वो आपको ज़रूर एक बार पता कर लेना चाहिए, यानी कंफर्म करके, और तभी आपको इसको यूज़ करना है।
इस पौधे के भी काफ़ी सारे प्लांट बनते हैं। आप इसकी सिंगल पत्ती से काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं। आप इसकी एक पत्ती तोड़कर जमीन में लगा दीजिए, इसी के किनारे पे काफ़ी सारे इसके बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। एक पौधे से काफ़ी सारे प्लांट बन जाते हैं, इसकी रूट्स भी डेवलप होती हैं। लंबे समय तक चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, एक तरह का सक्यूलेंट है। इंडोर आउटडोर हर तरीके से ये प्लांट चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसे आउटडोर रखिए या फिर जो है किसी पेड़ के नीचे लगाइए ताकि छनकर इसके ऊपर धूप आती रहे। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है और बहुत अच्छे से आप इसे अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लगाई थी कटिंग मदर ऑफ मिलियंस प्लांट की, यानी पत्ते की कटिंग लगाई थी, और अब देखिए इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे इसमें बेबी प्लांट्स बन जाएंगे अच्छे से। और ये देखिए, ये है बोट लिली यानी रोहयो प्लांट, ये इतना ग्रो कर गया है। इधर है हमारा एग्लोनेमा प्लांट, ये पिंक पत्तियों वाला है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये पौधे आप अपने घर पे जरूर लेकर आइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।